आप सब लोगों को हमारे YouTube चैनल के और एक नए नॉलेजेबल जीके के वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम जीके के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तर के बारे में जानेंगे जो आपके सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला सवाल, विश्व रक्तदान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए 14 जनवरी, बी 14 जून, सी 14 जुलाई या डी 14 दिसंबर। अगर आप लोग सोचना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हो, उसके बाद अपना उत्तर चेक कर सकते हो। इसका उत्तर है बी 14 जून। तो विश्व रक्तदान दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। ये रहा दूसरा सवाल, कैरोलिना मारिन किस खेल से जुड़ी हुई है? इसका ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन या डी बेसबॉल। इसका उत्तर है सी बैडमिंटन। तो कैरोलिना मारिन बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई है। ये रहा तीसरा सवाल, हरियाणा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए 1 जनवरी, बी 1 नवंबर, सी 1 दिसंबर या डी 1 अगस्त। इसका उत्तर है बी 1 नवंबर। तो हरियाणा दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये रहा चौथा सवाल, अल्जीरिया देश की मुद्रा यानी करेंसी का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ए दिनार, बी रुपेर, सी डिंगेट या डी डॉलर। इसका उत्तर है ए दिनार। तो अल्जीरिया देश की मुद्रा यानी करेंसी का नाम है दिनार। ये रहा पांचवा सवाल, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले यानी कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है? इसका ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12 या डी 15। इसका उत्तर है सी 12। तो हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं। ये रहा छठा सवाल, अंगोला देश की राजधानी यानी कैपिटल का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ए बर्लिन, बी बुडापेस्ट, सी तेहरान या डी लुआंडा। इसका उत्तर है डी लुआंडा। तो अंगोला देश की राजधानी यानी कैपिटल का नाम है लुआंडा। ये रहा सातवां सवाल, 2018 फीफा विश्व कप में फ्रांस ने किस देश को हरा के खिताब अपने नाम किया था? इसका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी अर्जेंटीना, सी क्रोएशिया या डी फ्रांस। इसका उत्तर है सी क्रोएशिया। तो 2018 फीफा विश्व कप में फ्रांस ने क्रोएशिया देश को हरा के 2018 फीफा विश्व कप जीता था। अगर आपने अभी तक 7 में से 7 का सही जवाब दिए हो तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप बहुत कुछ नया चीज जान रहे हो। ये रहा आठवां सवाल, बोकारो जिला भारत के कौन से राज्य में है? इसका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश या डी ओडिशा। इसका उत्तर है बी झारखंड। तो बोकारो जिला भारत के झारखंड राज्य में है। ये रहा नौवां सवाल, 100 मीटर दौड़ को सबसे कम समय में पूरा करना विश्व रिकॉर्ड कितने सेकंड का है? इसका ऑप्शन है ए 9.56 सेकंड, बी 9.34 सेकंड, सी 9.88 सेकंड या डी 9.58 सेकंड। इसका उत्तर है डी 9.58 सेकंड। तो 100 मीटर दौड़ का सबसे कम समय में पूरा करना विश्व रिकॉर्ड 9.58 सेकंड का है, जो कि उसेन बोल्ट के नाम पे है। ये रहा दसवां सवाल, सांची स्तूप भारत के कौन से राज्य में है? इसका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी ओडिशा। इसका उत्तर है बी मध्य प्रदेश। तो सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। ये रहा ग्यारहवां सवाल, काइगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र भारत के कौन से राज्य में है? इसका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या डी कर्नाटक।
इसका उत्तर है डी, कर्नाटक। तो काइगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र भारत के कर्नाटक राज्य में है। आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हर रोज ऐसे ही ज्ञान वाला वीडियो पा सके। ये रहा बार बार सवाल, जापान देश की संसद का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ए मोसाद, बी डाइट, सी कांग्रेस या डी असेंबली। इसका उत्तर है बी डाइट। तो जापान देश की संसद का नाम है डाइट। ये रहा 13वां सवाल, भारत की पश्चिम में यानी वेस्ट में कौन सा देश है? इसका ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी म्यांमार। इसका उत्तर है बी पाकिस्तान। तो भारत की पश्चिम में पाकिस्तान देश है। ये रहा 14वां सवाल, बेसबॉल खेल में एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 9 या डी 12। इसका उत्तर है सी 9। तो बेसबॉल खेल में एक दल में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। ये रहा 15वां सवाल, भारत में पहली जनगणना किस साल हुआ था? इसका ऑप्शन है ए 1880, बी 1872, सी 1891 या डी 1901। इसका उत्तर है बी 1872। तो भारत में पहली जनगणना साल 1872 में हुआ था। आप लोगों को ये ऑनलाइन टेस्ट कैसा लगा और आप ये 15 सवाल में से कितने का सही जवाब दिए हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।